हेलो दोस्तों, अगला वीडियो मैंने आपको बताया था सोल्जर जीडी के बारे में। तो आज का जो हमारा ट्रॉफिक है वो सोल्जर क्लार्क के बारे में, क्लार्क पोस्ट के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी रहती है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी क्लार्क का जो एलिजिबिलिटी रहती है उस एलिजिबिलिटी के अंदर पहले आती है उनका एज जो रहती है वो 17.5 से 23 साल। अगला वीडियो में हम आपको बताया था 17.5 से 23 साल इसका एज लिमिट रहती है, इसके अंदर ही आप पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहती हो। और इधर पर कोई एज का छूट नहीं मिलता, एससी एसटी ओबीसी अगर आप कुछ भी हो इधर पर कोई छूट नहीं मिलता आपको। उसके बाद आती है एडुकेशन क्वालिफिकेशन। आर्मी क्लार्क के लिए जो एडुकेशन चाहिए वो 10+2 यानी कि 12th पास करना आपका बहुत जरूरी है, और 12वीं कक्ष में आपका 60% मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होना चाहिए अन्यथा आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसमें कोई बड़ी मैटर नहीं करता, आप अगर आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इसमें कोई बड़ी मैटर नहीं करता, आप किसी भी स्ट्रीम से 60% अबव मार्क्स आपका होना बहुत जरूरी है। अब आती है इनकी हाइट के बारे में। इंडियन आर्मी क्लार्क पोस्ट में आपका जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेमी से 162 सेमी होना चाहिए। उसके बाद आती है वेट यानी कि ओजन। आपका जो वेट है 48 से 50 केजी तक होना चाहिए, होना बहुत जरूरी है, वो भी राज्य के अनुसार होती है। आपका वेट 48 से 50 केजी मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आती है आपका चेस्ट यानी कि छाती। आपको जो चेस्ट है वो 77 सेमी आपका होना चाहिए, और 5 सेमी जैसे ही फुलाना पड़ती है, अगला वीडियो में मैं आपको बताया था 70 सेमी आपका होना चाहिए और 70 सेमी से आपको 82 करना है जब फुलाना है। उसके बाद आपका 1600 मीटर का रनिंग होता है जिसमें आपको 5:45 का अंदर ही आपको इस रनिंग को आपको कंप्लीट करना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे रनिंग में। उसके बाद आपको पुलाप करना है। पुलाप में आपको मिनिमम 6 से भी ज़्यादा पुलाप आपको मारना है, इनके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाती है। जैसे अगला वीडियो में हम आपको बताया था, अगर आपको वीडियो नहीं देखा उस वीडियो तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ। उसके बाद आपको 9 फीट का गड्ढा कूदना है। इन सारे कुछ आपको पूरी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन सारे कुछ का अंदर नंबर लेकर आना पड़ता है। इधर पर रिलेशन का भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, जैसे हम बता देता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी क्लार्क बनने के लिए रिलेशन का छूट मिलती है वो है अगर आपका फैमिली से कोई सैनिक या पूर्व सैनिक था, उसके लिए भी आपका लंबाई का, वजन का और छाती का छूट मिलता है। और सिर्फ सैनिक का फैमिली से ही नहीं, अगर आपके पास कोई राज्य या फिर राष्ट्रीय का कोई सर्टिफिकेट होगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, वो दिखाने पर भी आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलता है। जैसे मैं बता देता हूँ, रिलेशनशिप में जो छूट मिलती है वो है लंबाई आपको 2 सेमी तक छूट मिलती है, और वजन का भी 2 केजी तक आपको छूट मिलती है, छाती का भी 2 सेमी तक आपका छूट मिलती है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल किसी भी दिन हो सकती है, और इस मेडिकल में आपका सारे शरीर का अंग जाँच किया जाती है। अगर आप नॉर्मल है तो आपके लिए एक एडमिट कार्ड देंगे, उस एडमिट कार्ड से आप एग्जाम में बैठ सकोगे। उसके बाद आपका एग्जाम होती है, और एग्जाम में जो बेसिकली जिस टाइप का क्वेश्चन रहती है वो है जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन रहती है और 20 मार्क का होती है, और जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन रहती है 20 मार्क का होती है, और मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन रहती है और 24 मार्क का होती है, और कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन रहती है वो भी 20 मार्क का होती है, और जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होती है और 100 मार्क का होती है, और टोटल 200 मार्क होती है। इनमें से आपको 80 मार्क्स होना चाहिए, 80 मार्क्स अगर आपको हो गया तो आप पास हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए, आप पास हो जाओगे। और इधर पर आपको बोनस मार्क भी दिया जाती है, जैसे आपका रिलेशन प्रमाण पत्र रहे तो 20 अंक का बोनस मार्क दिया जाती है, अगर आपका NCC ए ग्रुप का सर्टिफिकेट रहती है तो आपको 5 अंक दिया जाती है, अगर आपका NCC बी ग्रुप का सर्टिफिकेट रहती है तो आपको 10 अंक दिया जाती है, अगर आपके पास NCC सी ग्रुप का सर्टिफिकेट है तो आपको 15 अंक का नंबर दिया जाती है, और आपका कोई राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी है, अगर आप कोई राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी है तो आपको 20 अंक दिया जाती है। यही था आर्मी क्लार्क बनने के लिए क्राइटेरिया।
तो आप अगर आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर बताओ। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप एक लाइक ठोक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। और आगे ही ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना।